बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कोरोना महामारी एक बार फिर विकराल रूप धारण कर रही है। उन्होंने जिला व प्रदेश वासियों से आग्रह किया कि सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और बार बार सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी, इसी प्रकार एक महीने से पूरे प्रदेश में केसों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपनी विधानसभा के सभी लोगों से आग्रह किया है कि एहतियात बरतें। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में केसों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपनी विधानसभा के सभी लोगों से आग्रह किया कि एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि जो भी समारोह विभाग का है, चाहे वे मृत्यु के हैं या अन्य कोई भी समारोह है, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें और इस बीमारी से बचने के लिए और अपने को बचाएं, साथ में अपने परिवार को भी बचाएं, अपने गाँव को भी बताएं, जिससे लोगों को लाभ मिले। ऐसा न हो कि ये बीमारी हमें काल के ग्रास में ले जाए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि लोगों को हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाई जाए। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना महामारी एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रही है। मेरा सभी विधानसभा निवासियों से निवेदन है कि वो COVID-19 के जो रूल एंड रेगुलेशन जो बने हैं उसका पूर्णतः रूप से पालन करें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। आज इतना कोरोना की महामारी, जिससे कुछ ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले कि शायद अब इस बीमारी से महामारी से निजात मिल जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से एक महीने के अंदर लगातार केसेज पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरा अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से विनम्र निवेदन है कि वो कृपया एहतियात बरतें और जो भी समारोह, चाहे विवाह के हैं, चाहे वो मृत्यु के हैं या अन्य कोई भी समारोह हैं, उनमें वो पूर्णतः कानून का पालन करें और इस बीमारी से बचने के लिए और अपने को भी बचाएं, साथ में अपने परिवार को भी बचाएं, अपने गांव को भी बचाएं, जिससे लोगों को लाभ मिले। ऐसा ना हो कि ये बीमारी हमें काल के ग्रास में ले जाए। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि वो हर प्रकार की जो सहायता है वो लोगों को उपलब्ध करवाए। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन की भारी कमी जो है देश के अंदर होने जा रही है और हो भी गई है, और हमारे जो लोग बाहर रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं या अन्य प्रदेशों में रहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो समय रहते या तो अपना उचित व्यवस्था कर लें, बाहर ना निकलें, या समय से पहले वो अपने घर पहुंच जाएं। और आज भी मुझे 3-4 फोन दिल्ली से आए हैं सुबह ही कि वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे हम अपना इलाज करवा सकें। जो कोरोना से पॉजिटिव जो लोग आए हैं या बच्चे आए हैं, उनके लिए ये ऑक्सीजन की जो समस्या है गहराती जा रही है, और मेरा उनसे निवेदन है कि वो हिम्मत रखें, हौसला बनाए रखें और जो भी सरकारी अस्पताल नज़दीक हैं वहाँ पर जाकर अपना उपचार करवाएं, और इसमें जो है वो इस प्रकार से ना रहें कि हमने हॉस्पिटल नहीं जाना है या अपने को दिखाना नहीं है, उससे आपको और भी गंभीर समस्या हो सकती है। और जो भी पॉजिटिव परिवार हैं वो कृपया करके अपने को आइसोलेट करके रखें, अपने बच्चों से दूरी बना रखें, परिवार के सदस्यों से दूरी बना के रखें, समय समय पर अपना टेस्ट करवाएं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। और मेरा एक बार फिर से सभी बड़सर विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से यही आग्रह है कि कृपया करके वो भीड़ भाड़ के जो कार्यक्रम है उनसे गुरेज करें और अपने को भी बचाएं, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी बचाएं, आसपास के लोगों को भी बचाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।